आपका होस्ट मोहम्मद तारिक आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। आज मैं आपको गुलाब की पेड़ से काटी हुई कटिंग से जो है ना इसको ग्रो करके दिखाऊंगा कि ये कैसे ग्रो करते हैं। इसका तरीक़ेकार जो है ना बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ही आसान। आपने सोयल लेनी है, एक छोटा सा गमले में आपने सोयल भर लेनी है, ऑर्डिनरी सोयल, कोई उसके अंदर ना आपने कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, कुछ भी नहीं करना। बस आपने पहले उसको थोड़ा सा गीला कर लेना है, मिट्टी को मॉइस्ट कर लें। उसके बाद जो है ना जैसे ये है, उसके बाद आपने ये कटिंग ली, ये दो कटिंग है, इसको मैं ग्रो करके दिखाऊंगा आपको। आपने ये जो जहाँ से कटिंग करी है उस जगह के ऊपर और जहाँ से आपने ये ऊपर की जो सारी ब्रांचेस मैंने कट कर दी है, लीफ वीफ सब निकाल दिए, इसके ऊपर आपने थोड़ा हल्दी जो है ना हल्दी पाउडर का यूज़ करना है ताकि इसको कोई बैक्टीरिया जो है ना इसको अटैक ना कर सके। आपने यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी लगा देनी है ऐसे ताकि ये बैक्टीरिया से महफूज रहे और यहाँ से सूखने से रुक जाए। बिल्कुल इस तरीके से ठीक है, सिंपल तरीका है। फिर आपने इसको अपनी उंगली की मदद से आपने यहाँ पे सुराख बना लेना है जिसमें इसको आप लगाएंगे मिट्टी में, और इसको आपने इसको सिंपली इसको अंदर डाल के और इसको मिट्टी से दबा दिया अच्छी तरीके से ठीक है। इसी तरह से दूसरी आपने कटिंग ली, इसको भी आपने अच्छी तरीके से इसके ऊपर आपने हल्दी का पाउडर लगा दिया ताकि जो है ना ये इसके ऊपर किसी किस्म का बैक्टीरिया अटैक ना करे और ये सूखने ना पाए ना। फिर आपने उंगली से ऐसे सुराख किया और इसको आपने ऐसे मिट्टी के अंदर दबा दिया। अब आपने इसको फुल पानी देना भर के, ये पानी उस वक्त तक आपने देते रहना जब तक ये पानी नीचे से ड्रेन आउट ना हो जाए। ठीक है, अब आप इसको किसी पॉलीथीन बैग से कवर अप कर दें, इसको पूरा कवर अप कर दें। लेकिन एक चीज़ और करें, कवर अप करने से पहले जो है ना कोई ऐसी शाख ले लें जो इसको जो है ना सपोर्ट दे, ये पॉलीथीन बैग जो है ना नीचे बैठने ना पाए। मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैंने इससे पहले एक तैयार करा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ और उसका रिज़ल्ट भी बताता हूँ आपको। आपने इसको करके और यहाँ गिरा लगा देंगे, कोई हवा वगैरह ना जा सके इसके अंदर और इसके अंदर ह्यूमिडिटी बने क्योंकि उसी से ही इसका जो है ना ग्रोथ होगा। अब इसको रखना जो है ना आपने टोटली, आपने इसको जहाँ पे सन रोशनी नहीं आती ना वहाँ पे रखना है, पेड़ों के नीचे रख सकते हैं आप इसको, बिल्कुल शेड में रखना है इसको आपने। और हफ्ते के बाद आप इसको खोल के देखिएगा, इसके अंदर पानी की कमी अगर हो तो पानी आप डाल दीजिए और उसके बाद फिर इसको वापस कवर करके रखिए। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन हो जाएगी, इसके अंदर शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने एक दूसरा तैयार किया हुआ है जो मैंने 15 दिन पहले करा था और इसको मैंने इस तरीके से किया था। यहाँ पे मैंने ये टहनियाँ लगा दी थी ताकि ये शॉपिंग बैग जो है ना वो इसके साथ टच ना हो, और ये इस तरह से निकाल दिया। अब ये देखिए, मैंने ये तीन लगाई थी और तीनों के ऊपर माशाल्लाह से ये देखें, यहाँ पे भी लीफ निकल आई है, ये भी लीफ निकल आई है, यहाँ पर भी शूट्स निकल रही हैं दोनों, तो ये बेहतरीन जा रहा है। तो अभी इसको अब कवर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मेरे ख़्याल से अब इसको बड़े गमले में या इसको ज़मीन पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये है तरीका रोज़ प्लांट की कटिंग को ग्रो करने का, आसान सिंपल बिल्कुल। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.